प्रजापति, दिस इज गर्ल खुशबू प्रजापति। टाइटल एंड थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सरप्राइजिंग माय सिस्टर वी 34 गिफ्ट्स ऑन हर 17th बर्थडे। हमारे पाल की 34 गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स पाने के लिए पाल को बहुत सारे चैलेंजेस लेवल्स जो है वो पार करने पड़ेंगे। अगर पाल लेवल्स नहीं पार कर पाएगी तो पाल को गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। बर्थडे गर्ल को बुला लेते हैं पधारो, विश कर देते हैं पाए को हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वेलकम। राम मंदिर में एज यूजुअल मेरे और भैया की बर्थडे की तरह ही होगा। दीदी को दो दो गिफ्ट्स देंगे और उसमें से दीदी को एक गिफ्ट चूज करना होगा। ऐसा लगेगा आपको बिना मेहनत किए ही 17 के 17 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अच्छा लगेगा क्योंकि बिना मेहनत किए गिफ्ट मिल रहे हैं और जिंदगी में क्या चाहिए। सो गाइस, मैं दीदी को ये तो गिफ्ट देना चाहती हूँ और दीदी इसमें से आप एक चूज कर लो फटाफट। जैसे कि भैया ने अपने बर्थडे पे बोला था कि उसे बड़े गिफ्ट्स बहुत ही पसंद है, वैसे ही मुझे भी बड़े गिफ्ट्स बहुत ही पसंद है। बड़ा वाला गिफ्ट चूज करना चाहूंगी, बट मैं छोटा वाला देना चाहूंगी। और मैं तो बड़ा वाला दूंगी। खुशबू की चॉइस लिटरली बहुत ही अच्छी है। अब मेरी चॉइस इतनी अच्छी तो मैं क्या करूँ। ये रहा पायल का सेकंड गिफ्ट, चूज करो बहन कौन सा लेना चाहोगी। ऐसे ही देख के मुझे एक गिफ्ट तो समझ आ गया, इसके अंदर है बैग। यार इसको कैसे पता चल गया, तूने पीछे से देखा चूहे ने काट दिया ना, इसलिए इसको पता चल गया। ले अब यही लेना, ये वाला तो नहीं मिलेगा। हाँ क्योंकि तूने ये वाला गिफ्ट देख लिया है। अभी वैकेशन चल रहा है, चलो अभी मेरे काम आएगा, बाद में काम आएगा। हाँ। मैं दोनों छोटे छोटे गिफ्ट लाई हूँ ताकि दीदी ना बड़ा गिफ्ट ना चूज करे। ठीक है, देखते हैं इस बार मुझे क्या मिलता है। खोलेगी तभी ना पता चलेगा। हाँ, तो मैं ये चूज कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल खोल। मुझे मिला है 4 नेकलेस और बहुत ही प्यारा है। ये वाला स्टार वाला है, ये बटरफ्लाई वाला है, ये भी बटरफ्लाई वाला है और ये है लॉक वाला। मैं चूज करूंगी ये वाला। चलो खोल के देखो क्या है इसके अंदर। कपड़ा ही हो तो लगता है मुझे कपड़ा ही है क्योंकि भैया को पता चल जाएगा ना। हाँ। भैया ने पैक किया है तो बहुत धीरे धीरे गिफ्ट खोलती, मैं तो फाड़ फूड़ के खोल देता। कपड़ा ही मिला ना। इंडियन ड्रेसेस इसके पास एक भी नहीं था, इसलिए ये बहुत ही रो रही थी कि मुझे इंडियन ड्रेसेस चाहिए, इसलिए मैं इंडियन ड्रेसेस ही लाया हूँ इसके लिए। पूरा का पूरा सेट भैया ने दिया है, तैंगीज और ये दुपट्टा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा ऐसे पहन लूंगी। ये वाला। अच्छा ठीक है। सो गाइस, खोल के देखते हैं ना बढ़िया वाला गिफ्ट हमें मिला हुआ है। इसको पहले ही पता चल गया है बढ़िया वाला है। कोई भी गिफ्ट देता है तो खराब तो देगा नहीं, क्यों इसमें खराब की चीजें हो सकती है। मेकअप ब्रशेस सेट ऑफ 24। इतने सारे मेकअप ब्रशेस को देख के मुझे ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मेकअप ब्रशेस में कहाँ यूज करूंगी। कब के नाम पे तो ये सिर्फ 4 ही चीजें करती है, एक तो फाउंडेशन, एक लगाती है लिपस्टिक, एक लगाती है आई शेडो और एक लगाती है ब्लश। खुशबू को दे दे, उसके लिए बहुत यूजफुल होगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरे 2 ब्रश में हो जाता है सारा काम। लो बहन गिफ्ट सिलेक्ट करो, चल चल खोल। यार इसके साथ साथ मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ कि क्या मिलेगा इसे। जो मिले हैं इतने सुंदर सुंदर वाले मास्क, पक्का पता है खुशबू एक दो तो ले ही लेगी। हाँ तो मैं लेने वाली हूँ, इसमें क्या पूछने की बात है। ये दो मेरे फेवरेट है। अभी फेवरेट पता चल गया। हाँ तो गाइस इस बार ना मैं छुटकू वाला गिफ्ट लूंगी। गाइस मैं ये गिफ्ट खोल रही हूँ। ओ वाओ, इसकी पैकेजिंग ही इतनी सुंदर, इसके अंदर क्या होगा। हाथ का मेरा खाली था तो मैं ये वाली अभी पहन ले रही हूँ। सो गाइस ये मेरी पसंद की रिंग है। चॉकलेट वाला गिफ्ट कौन सा चाहिए पायल? मुझे इसमें चाहिए ये वाला। कपड़े ही है ये, जब भी आएगा तो कपड़े ही लेके आएगा, अब तो मैं यही बोलूंगी। इसीलिए मोस्ट ऑफ गिफ्ट जो है वो कपड़े लिए, समझ नहीं आता कि मैं क्या गिफ्ट लूँ। वैसे भी मेरे पास इंडियन कपड़ों की वेस्टर्न कपड़ों की बहुत कमी हो चुकी है, इसलिए कपड़े ही दूंगा मैं गिफ्ट में। देखा इसको गिफ्ट खोलना भी नहीं आता, मैं खोल के देता हूँ इसे। आपको भी नहीं आता भैया। इसके काम की चीज मिली है इसे, क्योंकि ये गिम्बर्स होती रहती है। मुझे मिला है प्यारा सा नाइट सूट, तो दीदी फटाफट इसमें से एक गिफ्ट चूज करो। सो मैं चूज करूंगी ये वाला। सो गाइस मुझे पता है कि इसमें क्या है। पायल को मिला है परफ्यूम।
मेहंदी में से ना बहुत गंदी गंदी स्मेल आती है, इसीलिए मैंने ना उसे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली है ना परफ्यूम दे दी है। ये बात तूने बता दी ना सबको, मैं तेरे से नहीं बोलूंगी, अब मेरा दिल दुख गया। इसको भी पता है ना कि इसमें से गंदी गंदी बात आती है। ये वाला गिफ्ट जो था ना वो बहुत ही अच्छा था। चूज करना था तुमने, वो वाला चूज किया तो वो वाला ही खोलेगी ना, ये वाला क्यों खोलेगी? ओ वाह, ये खुशबू नहीं दिया क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें क्या था। मुझे भी ये पर्पल वाला बहुत अच्छा लगा था। पर्पल नहीं, लेवेंडर। हाँ, लेवेंडर कलर। इसी वर्ड। गाइस ये रहा दीदी का नेक्स्ट तोहफा। लाया 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 तोहफा लाया 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 ये वाला। सो गाइस देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या मिला है। गाइस मुझे मिला है ये घाघरा। अरे घाघरा नहीं, ये अनारकली ड्रेस है गाइस। सो गाइस मेरा ना घाघरा और अनारकली में पता नहीं क्या हुआ। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस मुझे मिला है, कलर भी बहुत ही अच्छा है। ये जब इसके लिए हम वेस्टर्न कपड़े लाते तो ये बोलती है मुझे इंडियन चाहिए, जब इंडियन लाते तो वेस्टर्न बोलती है। वह तो डिसाइड कर ले तुझे कौन से कपड़े चाहिए। मुझे 50% इंडियन कपड़े चाहिए और 50% वेस्टर्न। तो फिर खुद से किन लेना। खरीद लूंगी, मेरे पास बहुत करोड़ों पैसे हैं। पता नहीं कहाँ है, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। क्योंकि मेरे पास 1 रुपया है। मैंने अब इसको हाथ में ले लिया है तो मैं यही वाला गिफ्ट ओपन करने वाली हूँ। एक जगह खड़ा रहना है। हाँ, नहीं मैं बहुत ही प्यारी वाली बच्ची, छोटी बच्ची। लाए ये प्यारे प्यारे से हेयर क्लिप्स। तेरा गिफ्ट थोड़ी ना है कि तू लगा रही है, वो दीदी ने दे दिया क्योंकि दीदी ने मेरा भी यूज किया था। एक मैंने अभी के लिए दिया, इसको मैंने हमेशा के लिए नहीं दिया है। सब मैंने भी आपको हमेशा के लिए नहीं दिया, वो पल वाला क्लिप। ठीक है वो फेंक दिया, तू ले ले जा निकल, मैं भी फेंक दूँ। ये वाला खोलिए प्लीज। बॉटल। ये स्ट्रॉ तो तूने फेंक दिया, कैसे पिएगी? पीते हैं पायल, कौन सा प्रोडक्ट चूज करती है? मैं चूज करूंगी ये वाला। तो ले लो ये वाला। धीरे धीरे खोल और धीरे धीरे पायल को मिले हैं चप्पल। ये चप्पल बहुत ही पसंद है, मैं अभी इसे पहनूंगी। घर में चप्पल नहीं पहनते बहन। नहीं पहनते क्योंकि जब नई चप्पल होती है तो उसके अंदर कुछ लगा नहीं होता। मिट्टी कीचड़ लगा के आना ना, तब घर में मत पहना, ठीक है? हाँ ठीक है, करूंगी। मैं पहले ही बता देती हूँ तीनों में कपड़े ही है, मैं ये वाला चूज करूंगी। हो सकते भाई। तो देखते हैं पायल को क्या मिला है। पायल को मिला है बहुत ही सुंदर सा। हाँ गाइस, इसे ना बैग मिला है, पाउच की कमी थी तो हमने पाउच भी दे दिया है। चलो छोटी बच्ची इसको सब दे देते हैं। हाँ, और ये भी लैवेंडर कलर है, मेरी फेवरेट कलर है। सो गाइस पायल को 17 गिफ्ट्स जो है वो मिल चुके हैं। अब पायल आती है राउंड 2 की। राउंड 2 है पायल के लिए टंग ट्विस्टर राउंड, जिसमें पायल को टंग ट्विस्टर जो है वो बोला है। अगर पायल एक टंग ट्विस्टर सही बोलेगी तो उसे मिलेंगे टोटल 4 गिफ्ट। टंग ट्विस्टर है वो है कच्चा पापड़, पक्का पापड़। सो सिंपल है, तुझे 5 बार बोलना है। 5 बार? हाँ 5 बार, इजी तो है। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। एक बार बोलने में तो इजी लगता है, 5 बार में बहुत ही बड़ा वो हो जाता है। क्या हो जाता है? ये प्रॉब्लम हो जाती है। चल ट्राई कर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तेरा तेरा 2 गिफ्ट, मैं 1 खोलूं? हाँ खोल ले। लोगों के गिफ्ट खोलने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे भी बड़ा मजा आता है, मुझे कोई देता नहीं है। सो पायल को मिला है, ये क्या मिला है? अच्छा पायल को मिला है हीरो का हार, और कानों में मिले हैं सुंदर सुंदर बालियां। और मुझे मिला है मेरे पे भी अच्छा लगा। नहीं भैया। खुशबू दे दो पायल का उसका 2 गिफ्ट। खुशबू मेरा गिफ्ट खोल ले। तो देखते हैं क्या मिले हैं पायल को गिफ्ट्स। क्या मिला है? वाओ बहुत ही अच्छी है। सेकंड गिफ्ट क्या मिला है खुशबू पायल को? स्वीट ब्यूटी का लिपस्टिक शेड्स। कितने सारे शेड्स से पायल, देख। और
और सारे न्यू है पैकेजिंग वाले। खुशबू को तो उसकी लिपस्टिक मिल गई थी पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने भी भैया से ले ली। ये सो गाइस पायल को 21 गिफ्ट्स जो है वो मिल चुके हैं। अब है राउंड 3, पायल को हम लोग देंगे चार फिलिंग द ब्लैंक्स। ओ मतलब मुझे इसके लिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा जो इसके पास है नहीं। ए मेरे पास बहुत दिमाग है। सो गाइस पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके स्क्रीन पे बट हमारे लिए है दीदी के गिफ्ट पे। सो मुझे तो मिला है ये वाला और मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मुझे बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। खुशबू रोज करती है। आप भी करती हो? अरे यार इतना इजी है, जल्दी। मुझे क्यों लग रहा है तू सही लिखेगी। सो सही लिखा है मेकअप। मुझे मिला हुआ है मेकअप बॉक्स। अंदर मेकअप बॉक्स के अंदर मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स के अंदर फिर से मेकअप बॉक्स। इतना तो मेकअप मेरे पास है भी नहीं जितना। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही इजी है, ये वाला ना फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी आएगा। अरे कितना इजी है, ये नहीं आया तो तुझे कुछ नहीं आएगा हाँ। जीवन में कॉलगेट कुछ भी होता है, पागल हो। कुछ भी। तो क्या लिखा है पायल? तो मैंने लिखा है क्लोथ। तो तेरा जवाब सही है। ओ यार इस बार भी मिला है कपड़े। मिला है ये जीन्स और उसके ऊपर मिला हुआ है ये क्रॉप टॉप। सो ये चीज ना आपने पहनी है, अभी पहनी। हिंट क्यों दे रहे, हिंट मत दो। मैंने तो मांगा ही नहीं, अब तुम लोगों ने बता दिया। अब यार इसको आ जाएगा, ऑलरेडी ये बहुत ही इजी था। सॉरी। पायल को ना 25 गिफ्ट जो है वो मिल चुके हैं। अब है बारी राउंड 4 की। पायल को ना गेस द गिफ्ट चैलेंज करना है। पायल को गिफ्ट देंगे और पायल को उसको ना टच कर बताना है कि इसके अंदर क्या है। ये जो राउंड है बहुत ही हार्ड होने वाला है क्योंकि आपके पास वो सामान है पर आप कवर के ऊपर से कैसे बताओगी कि उसके अंदर क्या है। दीदी ये रहा आपका गिफ्ट, फटाफट टच करके पता करो कि क्या गिफ्ट है। तो सॉफ्ट लग रहा है और फील करने पे भी तो मुझे लग रहा है इसके अंदर क्लोथ्स है। खोल के देखो इसके अंदर क्या है खुशबू। सो होप कर पायल कि तेरा आंसर जो है वो राइट हो। कपड़ा है ये। क्या मिला है तुझे? एक ड्रेस मिली है ना। ये वाला गिफ्ट तो पायल हाथ में पकड़ते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है हील्स। करेक्ट आंसर। देखो हील्स है, बहुत हील्स है ना। इसको ऐसा हील्स चाहिए था ब्लैक कलर का। 1 फीट ऊंची हो गई है, मेरे से भी लंबी हो गई है। ठीक है गैस करते हैं गाइस। बता फटाफट क्या है, तेरे पास टाइम बहुत कम है। आई थिंक इसके अंदर इयररिंग्स है। चलो देखते हैं। यस ये दोनों इयररिंग्स है ना हमारे हर एक आउटफिट्स के ऊपर चले जाएंगे। ऐसा गिफ्ट तो तुझे पहले भी मिला है सो मे बी वही हो। इसमें रिंग होगा मैं ऐसा गैस कर ले रही हूं। अच्छा ठीक है देखते हैं रिंग है कि नहीं। रिंग ही है, रिंग ही है। कोई तो गिफ्ट दे दो यार। इस दुनिया में ना बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे तो इसके लिए भी ना तुझे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अरे यार दे दो ना प्लीज। क्या बोलती है खुशबू? दे दे ना। नहीं देंगे। दे देते हैं भाई। ले अपने गिफ्ट्स ले। सबसे पहले मैं ये वाला गिफ्ट खोलूंगी और ये वाला गिफ्ट खोल के मैं दीदी का हेल्प करूंगी। ठीक है। ये वाले में क्या है? ड्रेस, कुर्ती जो कि है सेट, बहुत ही प्रीटी। हाँ एकदम यूनिक है ना। हाँ और मेरे ऊपर ना बहुत ही डार्क कलर, ऐसे चटक मटक वाले कलर बहुत ही अच्छे। सो ये वाला मिला है पायल, देख तुझे ड्रेस। वाह तेरा घाघरा। वाह इसके ऊपर ये कुर्ता है। कितना अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने ये किसकी साइज लाई है? ये हमने साइज लाई है मम्मी की, कि मम्मी भी बेचारी एक बार पहन ले। फटाफट खोल दी। पायल को मिला है ये कॉटन की कुर्ती और इसका कलर कितना प्रीटी प्रीटी हाँ। है। ले ये तेरा नेक्स्ट गिफ्ट। हाँ और नेक्स्ट गिफ्ट और ये तेरा लास्ट गिफ्ट है 34th गिफ्ट। लास्ट के 5 हमने फ्री में दे दिए इसको। फ्री गिफ्ट। हाँ फ्री गिफ्ट, बिना मेहनत के गिफ्ट। लास्ट में सारे गिफ्ट लेके ये पहन के सो जा। ये वाला नाइट ड्रेस अच्छा लगा? हाँ मुझे बहुत ही
लाइटिंग वाले और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल। पायल को सारे के सारे गिफ्ट जो है वो दे दिए हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्लीज इस बार तो लाइक कर ही देना क्योंकि पायल का बर्थडे है इसलिए। और कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।